हेलो गाइस और वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ एमपी में, और एमपी के बहुत ही खूबसूरत से एक शहर या एक छोटा सा प्यारा सा गांव समझ सकते हैं, इसका नाम है दतिया। और वैसे तो यहाँ पे हम लोग कल ही आ गए थे, और हमारा यहाँ पे डांडिया फेस्ट में परफॉर्मेंस था, तो उसको तो मैंने कवर नहीं किया। बट यार अभी सुबह के बजने वाले हैं 7:30, और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे दतिया के बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर पीताम्बरा देवी मंदिर। यहाँ पे काफ़ी फेमस है वो, और इसके बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता था। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे होटल के पास में रुके, तो यहाँ के लोकल से पता चला, और रास्ते में आ रहे तो वहाँ भी हमने देखा काफ़ी भीड़ थी, तो और नवरात्रों का दिन भी चल रहा था यार, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, इससे अच्छा कोई मौका हो नहीं सकता वहाँ पे जाके दर्शन करने का। तो फिलहाल अभी मस्त रेडी वेडी हो गए हैं, और बाकी लोग भी रेडी हो रहे हैं, अभी तो होटल में ही है। यहाँ से रेडी होके निकलते हैं, फिर आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको देंगे। चलो भाई, तो चेकआउट कर लिया है, और मतलब चेकआउट क्या किया, अभी तो नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाके रिसेप्शन पे वहाँ से चेकआउट करेंगे। अभी लिफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, मम्मी क्या कर रही है? अभी पहले मंदिर जाएंगे, वहाँ से चलो भाई। तो चेकआउट हो गया है, और अब जो लगेज है अपना गाड़ी में डालते हैं, और उसके बाद बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और ये थी प्रॉपर्टी यार, एक बार मैं आपको दिखा दूं। होटल दीक्षित पैलेस है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा होटल है, और बिल्कुल यहाँ पे आइए, अच्छे रूम्स हैं, अच्छी सर्विस है यार, खाना भी बहुत अच्छा है, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। चलिए, जो भी आगे की गतिविधियाँ होंगी वो आपको कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, तो यहाँ से 2.4 किलोमीटर है, और बढ़िया सिटी है यार, बढ़िया शहर है दतिया। मैं तो पहली बार इसके बारे में सुना हूँ, और हम लोग एमपी में, और एमपी यार एज यूजुअल अपनी ग्रीनरी और अपने लैंडस्केप व्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भाई मस्त धुआं बढ़ाते हुए जा रहा है, पोल्यूशन क्या कोई, यहाँ गाय जो है मोरंग चल रही है, तो यार यही सब नज़ारे मिलेंगे देखने को। साइड वाला मामला हो रहा है क्या? फुल हाँ, रॉन्ग साइड ही चलो भाई, तपस्वी टाइम हो तो घूमना घूमना तो बताओ, चले फिर वहाँ से, क्या बोलते हैं, एमपी आए हुए हैं यार, तो महाकाल के दर्शन हो जाए, क्या कहते हो? और क्या भाई, उज्जैन भाई देखो कितना दूर है यार यहाँ से उज्जैन, अभी फुल रॉन्ग साइड है क्या मामला? फुल रॉन्ग साइड है भाई, जाना चाहिए भाई, हम लोग इसी रास्ते से तो आ रहे थे, इतना नहीं याद रहता है जो सीधी बात भाई, इसी से तो आए थे यार, आए तो देरी से थे भाई, भाई बड़ा कंफ्यूजन है भाई, समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये 5.1 है, बट आगे आप देख रहे हो ये यहाँ से रास्ता कट रहा है, तो शायद से ये कम हो जाए, देखते हैं यार, कम तो हो जाना चाहिए। चलो दोस्तों, राइट मुड़ तो गए हैं, और यहाँ से रास्ता यार छोटा हो जाना चाहिए, होपफुली हो गया भाई, 2.1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से रास्ता सेक्सी है, ऊपर करिए, बहुत बढ़िया। तो भाई अब थोड़े थोड़ी ही दूर की जो ग्रीनरी है और व्यू है उसको आप एंजॉय करिए। एज यूजुअल मंदिर के पास में यार काफ़ी भीड़ भड़का है, ये देखिए हनुमानगढ़ी दतिया, और यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे मंदिर है, देखते हैं यार कहाँ पे पार्किंग मिलती है और फिर डिसीजन लेते हैं। और ऑल्सो यार पीताम्बरा देवी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको, ये उन्हीं सारे शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, और काफ़ी काफ़ी ही ज़्यादा मान्यता है इस जगह की, वहाँ बहुत ही मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है,
ये वही है भाई खजुराहो, आंसू वाला खजुराहो से लौट रहे थे वही वाला है ये रास्ता। तो गाइस हम लोग पहले भी यहाँ से आ चुके हैं, हम लोग एक बार खजुराहो आए हुए थे तो इसी रास्ते से लौटे थे यार, कुछ पता नहीं था बट इतने लकी हम लोग कि यहीं पे सब कुछ मिल गया भाई। यहाँ से 450 मीटर दिखा रहा है। तो पार्किंग किधर होगी? पार्किंग यही है। पार्किंग किधर होगी? पार्किंग कहाँ लगा दे? यहीं पे लगा दे, यही बोल रहे हैं। चलो जी, तो यहाँ पे शायद इनके सामने पार्किंग करने दे ना भाई। यहाँ करते हैं पार्क गाड़ी और उसके बाद बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से 450 मीटर है तो यार थोड़ा वॉक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी हम लोगों ने, ये भैया हैं पार्किंग वाले। और यहाँ से बढ़ते हैं मंदिर, शायद यहाँ से थोड़ी दूर पे है तो अच्छा। यहाँ पे वहाँ पे प्रसाद के काउंटर हैं और ऐसा कुछ ये दतिया शहर दिखता है, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत। अभी तो सुबह के 8 बजने वाले हैं तो उस वक्त का नज़ारा है। चले भाई आप लोग आओ। चलो भाई तपस्वी यहीं पे रहेगा और हम और अमन जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि भाई तपस्वी भाई अपने जो हैं वो है। क्रिश्चियनिटी धर्म के बंदे हैं तो ठीक है यार भाई, अपना गाड़ी के पास रुकेगा, गाड़ी की रखवाली भी करता रहेगा यार। और तो गुरुद्वारे चले जाए 2 घंटे के लिए भाई, अगर दाल चावल नहीं होता है तो आदमी सब्जी रोटी से काम चलाता है ना भाई। सबकी अपनी अपनी आस्था है, मेरा तो मानना ही है फोर्सफुली आप किसी से कोई काम ना करो, करना है तो करे भाई, नहीं करना है तो नहीं करे, बात खत्म। चलो भाई प्रसाद वसाद लेते हैं फिर बढ़ते हैं मंदिर के अंदर। तो भाई लोग मंदिर यहाँ बगल में ही है यार, तो चप्पल जो है अपनी कार में ही उतार देते हैं हम लोग और यहीं से चलते हैं, बेस्ट रहेगा। इधर उधर चप्पल उतार के फेंकने से अच्छा है कि यार अपनी गाड़ी में ही निकाल के रख लो और पास में ही मंदिर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई मस्त चप्पल उप्पल उतार दिए, नंगे पैर हो चुके हैं और अब पड़ते हैं मंदिर की तरफ। कितनी दूर है मंदिर भैया अंदर? जल्दी कर दीजिए भैया, 50 वाला है ना भैया, दो जगह 50 वाला लगा दो भैया, अलग अलग रख दीजिए भैया। चढ़ता क्या है? चलो जी प्रसाद ले लिया है गाइस, फूल ले लिया है यार 50 रुपए के। और मंदिर का द्वार कुछ ऐसा दिखता है, यहीं से ले लेते हैं पेड़े। क्या चलता है? कैसे दे रहे हैं तो भाई मसला ये है कि मंदिर के मुख्य द्वार पे यार फोन जमा हो रहे हैं तो ठीक है यार, अच्छी बात है एज यूजुअल। तो वहाँ पे वो पर्ची काट रहे थे और पास में हमारी गाड़ी भी खड़ी है तो यार बेस्ट यही है कि अपनी गाड़ी में ही फ़ोन रख दो यार, सेफ भी है और कोई दिक्कत भी नहीं है। तपस्वी को कॉल कर रहे हैं तो एज यूजुअल है, तपस्वी कभी फ़ोन नहीं उठाता है और आज उसकी मैं बहुत बुरी क्लास लेने वाला हूँ। तो गाड़ी में फ़ोन रखते हैं भाई, देखेंगे नेट से कोई क्लिप लगा देंगे मंदिर के अंदर की, एल्स दर्शन करके आके फिर आपको बताते हैं। तो जी आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास में और बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए यार, मतलब एकदम दिल को सुकून सा मिल गया। उमावती माता के भी दर्शन हो गए यार, इतने लकी थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए जो है उनके द्वार खुलते हैं, आरती होती है तो हम लोग बहुत सही समय पर पहुँच गए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो अब MP आए हैं तो यार पोहा तो खाता ही आदमी, बट उसके अलावा यहाँ पे कुछ और आ संजय भैया
क्या माहौल है भैया। क्या डाल के दो चटनी तो जरा। प्याज की है? दाल की है। दाल की। और ये समोसे? समोसे एक एक समोसा लगाइए। बना के थे? नहीं तो बना के हमको दो बना के दो जरा। दो बना के दीजिएगा, एक ऐसी दीजिएगा। तो भाई ये समोसे हैं, ये दाल की कचौड़ी है और ये बढ़िया मस्त पांच छोले में यहाँ पे ऐसे भैया तैयार करते हैं। भाई यहाँ का फेमस समोसा पापड़ी ट्राई करते हैं। बहुत जबरदस्त अल्टीमेट खाते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको देंगे। ये आ गई अपनी भाई, इससे बड़ा ब्रेकफास्ट कुछ हो ही नहीं। दही जलेबी भाई खा के बताओ क्या कह रहा है भाई। भाई खूबसूरत ब्यूटीफुल तपस्वी। चलो भाई दही जलेबी खाते हैं। तो भाई ये शॉप है भाई और वो भैया है। भैया बहुत बढ़िया टेस्ट था, बहुत ही मज़ा आई। और भाई जब भी आप दतिया आइए और पीताम्बरा देवी मंदिर आइए तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए भाई। अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। और जो भी शॉप का एड्रेस होगा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा भाई। मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार, मज़ा आ गई। बहुत ही बेहतरीन नाश्ता हो गया और मजबूर। अब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। बहुत अच्छी ट्रिप थी यार, बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए, बढ़िया टेस्टी सा नाश्ता भी हो गया यार। और ये समोसा भी हम लोगों ने ऐसे रख लिया है। ऑल इन ऑल मजा आ गई भाई। अब लेट्स रोल गाइस, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ से अब 338 किलोमीटर और 6.5 घंटे का रास्ता। तो यहाँ से हमें जाना है राइट और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखते हैं रास्ते में अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होगा तो आपको दिखाएंगे। else इस व्लॉग को एंड करते हैं। छोटा व्लॉग होगा यार, आई होप कि इतना हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसे मकसद तो यही था कि आपको इस जगह के बारे में जो है इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि आप कभी भी यार अगर मध्य प्रदेश और दतिया की तरफ अगर आप आओ तो इस जगह जरूर आना यार। बहुत ही मान्यता प्राप्त ये जगह है। माता रानी के दर्शन अगर भाई आपने नवरात्रि में कर लिए तो फिर तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। तो चलिए सबसे यही ईश्वर से यही कामना है कि सब खुश रहें, मंगल रहें। और ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।